नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये ट्रैक्टर 1744 FE है दोस्तों। ये 5 स्टार मॉडल है। इस ट्रैक्टर को कंपनी ने अभी लॉन्च किया है और दोस्तों इस ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर आ रही है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस ट्रैक्टर की इंजन बात करते हैं दोस्तों, इस ट्रैक्टर में 3728 किलो वाट का इंजन मिलता है, 50 HP का और 3478 CC का दोस्तों। इस ट्रैक्टर में इंजन आता है 4 स्ट्रोक 110 बोर के साथ और 122 NM स्ट्रोक के साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर का इंजन आता है दोस्तों। इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग मिलता है, इसके आगे टायर 7/16 के मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में RP2 मिल जाती है दोस्तों। RP2 की जरूरत पड़ती है कुछ किसान भाइयों के लिए, तो उसके लिए इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों। इस ट्रैक्टर में इनलाइन पम्प मिलता है माइक्रो बॉस कंपनी का दोस्तों। इस ट्रैक्टर में इनलाइन पम्प 2000 RPM के साथ 200 ट्रैक्टर आता है इसका। और दोस्तों ट्रैक्टर में जैसे वाटर सेपरेटर और 2 फिल्टर मिल जाते हैं इंजन की लाइफ के लिए। और दोस्तों यहीं इस ट्रैक्टर में ऑयल बाथ वाला एक रिंग मिलता है, जिससे इसकी ट्रैक्टर की लाइफ ज़्यादा होती है दोस्तों। ये 1744 FE 5 स्टार मॉडल है दोस्तों। ये देख सकते हैं 5 स्टार, बहुत ही बढ़िया से इसके स्टार बनाए गए हैं। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में डबल क्लिक किया, इस ट्रैक्टर डबल क्लिक किया गया दोस्तों। पहले इस ट्रैक्टर डबल क्लिक आता था दोस्तों। इस ट्रैक्टर की 30.1 किलो वाट की दोस्तों इसकी PTU पावर है और 41 HP दोस्तों इस ट्रैक्टर में PTU मिल जाती है पूरी दोस्तों। ये देख सकते हैं 744 मॉडल दोस्तों इस ट्रैक्टर का। और दोस्तों इसमें ऊंचे प्रधान है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे प्रधान होते हैं इस ट्रैक्टर के पहले। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में ऊपर से देख सकते हैं ट्रैक्टर दोस्तों, इस ट्रैक्टर में 1.5 मीटर नहीं मिलते हैं दोस्तों। इसमें इस ट्रैक्टर में 7 मीटर मिलते हैं जो 100 ट्रैक्टर में पहले से आते हैं। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में वही गियर कॉन्स्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश दोस्तों। इस ट्रैक्टर में गियर बॉक्स मिलता है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ ट्रैक्टर आता है दोस्तों ये। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में PTU के लिए दोस्तों इस ट्रैक्टर में अलग से इसका लीवर दे दिया क्लिच इसका। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट क्लिच पेडल दिया है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की PTU करते हैं दोस्तों, तो इसमें 540E और 540 स्पीड PTU मिल जाती है दोस्तों। मल्टी स्पीड PTU मिल जाती है दोस्तों इस ट्रैक्टर में। MR PTU भी मिल जाती है दोस्तों इस ट्रैक्टर में। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में तेल में डूबे ब्रेक मिल जाते हैं, ये पैर रखने के लिए फोस्टर इसका बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसमें सेंसिंग के लिए इसमें 2 लीवर दिए गए हैं इसका। ये मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों इस ट्रैक्टर में। इसके मडगार्ड बहुत ही मजबूत मडगार्ड दिए गए हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के। स्वा ट्रैक्टर वैसे भी जाता बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की सीटें बहुत ही बढ़िया है, एडजस्टेबल है, आगे पीछे कर सकते हैं हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और वजन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ट्रांसपोर्ट लॉक भी दिया गया है हाइड्रोलिक को लॉक करने के लिए दोस्तों। इसके इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही मजबूत दोस्तों। इसके पीछे टायर हैं वो 14/28 के हैं, बड़े टायर दोस्तों। इस ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इस ट्रैक्टर में 3 रिंग के सेंसिंग मिलती है दोस्तों। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की हाइड्रोली है वो 2000 kg कर दी है। पहले इस ट्रैक्टर में 1700 kg की लिफ्ट आती थी, पर कंपनी ने इसमें 2000 kg की लिफ्ट कर दी दोस्तों। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया दोस्तों इस ट्रैक्टर में। और दोस्तों इसकी लिंकेज बहुत ही मजबूत कर दी है और भी ज़्यादा। और दोस्तों इसमें एक खास पीस और भी दिया गया है, जिससे आप ट्रायल जोड़ते हैं तो आपको परेशानी होती है, तो इसमें एक सिस्टम दिया पीछे, इसमें हाइड्रोलिक को उठाने के लिए एक लीवर दे दिया है, जिससे आप अकेले ही ट्राली को जोड़ सकते हैं या रोटर वेटर जो भी है उपकरण आप आसानी से जोड़ सकते हैं अकेले ही। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, इनका आजकल काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है इनका। और दोस्तों इसमें एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बोतल रखने के एक स्टैंड दिया गया है दोस्तों। इस ट्रैक्टर में फाइबर का टूल बॉक्स मिल जाता है दोस्तों। इस ट्रैक्टर में 3 लिंकेज सेंसर मिलती है दोस्तों। इस ट्रैक्टर HP देख सकते हैं कंपनी द्वारा काफ़ी मजबूत बनाया गया है, काफ़ी अच्छा ही दिया है कंपनी से दोस्तों। इस ट्रैक्टर की लिंकेज आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दी गई हैं, इनका बहुत फ़ायदा होता है इनसे। इसकी टॉप इसकी हाइड्रोलिक टायर में लगती है, नहीं तो टायर ख़राब हो जाता है दोस्तों। इस ट्रैक्टर में बहुत ही अच्छी सेफ्टी दी गई है दोस्तों। यहाँ पे एक स्विच लगाया गया है एक ट्रॉली में इंडिकेटर लगाने के लिए, यहाँ पे यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से।
और दोस्तों यहाँ पर लाइट दी गई, वैग लाइट बहुत ही अच्छी होती है, और बढ़िया टायर है पीछे वाले दोस्तों इस ट्रैक्टर में। और दोस्तों इसके ट्रैक्टर के ब्रेक हैं OIV ब्रेक मिलते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर में, तेल में डूबे ब्रेक। ट्रैक्टर चाहे कितनी भी स्पीड से हो, आप ब्रेक लगाएंगे ट्रैक्टर तुरंत रुकेगा बिल्कुल, देख सकते हैं दोस्तों। इस ट्रैक्टर में तेल में डूबे ब्रेक मिलते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया था, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है दोस्तों। स्वराज ट्रैक्टर इंडिया का नंबर वन ट्रैक्टर है स्वराज, और सबसे लो मेंटेनेंस वाला ट्रैक्टर है दोस्तों ये। दोस्तों इस ट्रैक्टर में 100 एमपी दोस्तों इस ट्रैक्टर में बैटरी मिलती है। इसका साइलेंसर दोस्तों, इसका साइलेंसर साइड से है, ये कंपनी का इसका लोगो है साइंस। 1974 से दोस्तों ट्रैक्टर बनाया है, सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा दोस्तों इस पर लिखा है, ये इसके 5 स्टार बने हुए हैं बहुत ही अच्छे दोस्तों। ये मॉडल आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, और जिन लोगों के जो लोग वहाँ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस ट्रैक्टर में बड़ा सेल्फ मिलता है, अन ट्रैक्टर में क्या होता है गियर वाला सेल्फ आता है तो उसमें वो ख़राब हो जाता है जल्दी, तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, पर इसमें खर्चा बहुत कम खर्चा आता है उसमें। स्वराज कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो बहुत ही मजबूती से ट्रैक्टर बनाती है, जिससे किसान इस ट्रैक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक के लिए और पावर स्टीयरिंग के दोस्तों इस ट्रैक्टर में अलग अलग पंप दिए गए हैं। अन ट्रैक्टर में क्या होता है दोस्तों, एक ही में पंप लगा दिया जाता है, जैसे एक पंप ख़राब हो जाए तो किसान भाइयों का मेंटेनेंस बढ़ जाता है दोस्तों। ट्रैक्टर ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर मैंने बता दिया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। और दोस्तों यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है एक, और दोस्तों इस ट्रैक्टर में हैवी एक्सल मिलता है पावर स्टीयरिंग के कारण दोस्तों। और इस ट्रैक्टर की आगे की स्पीड है दौड़ने के लिए 3.1 किलोमीटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दोस्तों इसकी स्पीड है आगे के लिए। और दोस्तों इसकी पीछे भागने की स्पीड इसकी 4.3 किलोमीटर से 14.3 किलोमीटर प्रति घंटा की दोस्तों इसकी आगे की पीछे की स्पीड है दोस्तों इसकी। और दोस्तों इसकी लंबाई है 3342 mm दोस्तों इसकी लंबाई, और दोस्तों इस ट्रैक्टर की चौड़ाई है 1945 mm दोस्तों। इस ट्रैक्टर की ऊँचाई, इसकी ऊंचाई 2275 mm दोस्तों इसकी ऊंचाई है दोस्तों। इस ट्रैक्टर ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों 400 mm का है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर का टोटल वेट है वो 2270 kg का दोस्तों इस ट्रैक्टर का वेट मिल जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई गलती हो तो कमेंट कर जरूर बताएँ। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पता चल सके कि 5 स्टार के बारे में दोस्तों ये ट्रैक्टर 844 आ चुका है मार्केट में। धन्यवाद।